अब मैं घर वालों के साथ टीवी पे मूवी नहीं देखूंगा। साला जब भी रोमांटिक सीन आता है सारे घर वाले मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं ही उस मूवी का डायरेक्टर हूँ। मोदी जी से अनुरोध है, अगले रविवार चीन को गाली देने वाला भी प्रोग्राम रख दीजिए। मन में सैलाब उमड़ रहा है। आपके पति कैसे मरे? जहर की वजह से। पर इनके शरीर पे तो चोट के निशान है। साला जहर खाने से मना कर रहा था। अब क्या हुआ? तीन माई रे रोहित भाई। हाँ भाई। घर पे क्यों नहीं जा रहे हो? ताला लगा है। तू सिंगल है क्या? हाँ क्यों? मेरा एक दोस्त है, महीने का 1,00,000 कमाता है, उसके पास गाड़ी भी है और खुद का घर भी है और वो मुंबई में रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो काला है, चलेगा क्या? इसी क्वालिटी में दूसरा कलर मिलेगा क्या? क्या करोगी जानकर कि हमारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? तुमको बनना है तो बताओ। बेटा बताओ भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? मोदी 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 सर, इसकी दादी है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। तुम कल किस लड़की के साथ थे? सच सच। यार मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मोबाइल हाथ में पकड़ते ही नू कहवे। इसका पैटर्न लॉक बताना जरा। अबे सुसरे, अगर बतानी होता तो लगाती क्यों? हद है यार, कुछ भी सेंस नहीं है। हाँ? हाय। छी, तू कितनी गंदी है, तेरी शक्ल कितनी गंदी है। तू कितना गंदा है यार, मेरे मुंह पे बेइज्जती करता रहता है। गंदी शक्ल की। ये क्या कर रहा है? पीठ पीछे बेइज्जती। सलोनी, इमेजिन करो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। छी, मुझे ये सोच कर ही उल्टी आ रही है। यार इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई? हमारी बराबरी तुम क्या करोगी लड़कियों? हमारी बराबरी तुम क्या करोगी लड़कियों? तुम जैसे को तो हम बिना नहाए पटा लेते हैं। तो सही है, लिपस्टिक लगाने तक तो ठीक है। लेकिन ये ओठों के किनारे किनारे जो काली रेखा होती है, क्या कोई लड़की बताएगी इसका मतलब क्या होता है? शायद लक्ष्मण रेखा होता होगा। यही तो खूबसूरती है मेरे देश की। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब बराबर डंडे खा रहे हैं। देख तो यार, ये डॉक्टर साहब ने मेरे को चिट्ठी लिख के दी यार, तेरे को इंग्लिश आती हो पढ़ के बता तो। निम्टा दूसरा स्टाइल में हर तबुस क्रात को एक निम बोमला मोहिनो सुन कास्ता मिनो पीसा चुकुए। कोई लड़की हमें ठुकरा दे तो कोई गम नहीं। वावा, वावा। अरे कोई लड़की हमें ठुकरा दे तो कोई गम नहीं, डूब मरे वो बेचारी जिसकी किस्मत में हम नहीं। दरवाजा खोलो जल्दी, कौन है इतनी रात में? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के नीचे आके पापड़ बन गया। तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? नीचे से ही सरका दो। अभी जिंदा हो तो जीने दे तो। किबे पागल है क्या, देख के चलना। वो भैया वो गिरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, तुम क्यों नेतागिरी दिखा रहे हो? बेबी मेरे लिए एक शायरी बोलो ना। माना तेरे बिना जिंदगी अधूरी है,
माना तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, माफ करना मैडम, इस समय आपसे ज्यादा ये जरूरी है। यही है भाई, तुझे पता है मैं कौन हूँ भाई? चप्पल चोर। तुझे पता है मैं चप्पल चोर हूँ, मुझे पता है मैं चप्पल चोर हूँ, इन्हें थोड़ी पता है मैं चप्पल चोर हूँ, तो तू चुप रह। भाई मैंने सुना है कि दीपक नाम के लोग नहाते नहीं है। भाई ऐसा क्यों? भाई नहाएंगे तो भुज नहीं जाएंगे। तूने मेरे को धोखा दे दिया। तो और क्या, तुझे सरकारी नौकरी देती? मुझसे शादी करोगी क्या? कितनी अच्छी मूवी है ना, कुत्ते के पिल्ले। क्या कितने छोटे छोटे होते हैं ना। एक सिप में 300 पागल जा रहे थे, सिप डूबी भी नहीं और 300 के 300 पागल मर भी गए, कैसे? नहीं पता, मैं बताता हूँ। सिप बीच समंदर में खराब हो गई थी, वो धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए पागल। पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन खाने के लिए सब एक हो जाती है, चटोरी कहीं की। ये पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। हाँ लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है, ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे, ये ले मेरा 10 लाख तेरे। बहन मैं तुझे कुछ दिलाऊंगा, चल भाई शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं है, मेरा मूड चेंज हो गया। चल ना भाई चलते हैं। मेरा मूड चेंज हो गया। देख अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। देखा, मैंने बोला था ना कुछ दिलाऊंगा। एक स्कूल बस के पीछे लिखा था, बार बार हॉर्न बजाकर मुझे ना छेड़े, मैं बच्चों वाली हूँ। ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? कितना हुआ चौधरी? अंकल ओ चौधरी, ओ डब्बा है, डब्बा ओ है, डब्बा एक का भैया। थाली भी बजा लाई और दिया भी जला लाई, अब एक आध दिन चीन खो करे, अब एक और प्रोग्राम रख ले, पूरी कसर निकाल। मेरे पास एक प्लान है। तू हमें गरीब समझ रहा, हम पे तो साले मोटरसाइकिल है। साले मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास जियो, मेरा मतलब मेरे पास एक विचार है। अबे तो ऐसे बोल रहे हैं बे साले अंग्रेज। अबे यार लॉकडाउन की वजह से ना एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है। क्या? अंबानी ने पूरा अपना घर घूम लिया होगा। यार चाइना वालों की कोई टैगलाइन चल रही है क्या? मुझे ना कैप्शन डालना है। हाँ चल रही है ना, बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम, बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम, बना के एक नया वायरस रखेंगे अजीब सा नाम। चाय में शक्कर कितनी लेंगे आप? ये नौटंकी सिर्फ फिल्मों में होती है, यहाँ तो जैसी बन जाए ठूसनी पड़ती है। 100 रुपए में पूरा परिवार 4 साल तक बैठ के खाना खाए। अरे ऐसी क्या चीज है यार जो 100 रुपए में पूरे 4 साल खाना खिलाएगी, मैं भी तो खरीद के देखूं, मैं भी 4 साल तक खाना खाऊंगा। चटाई वाला चटाई 100 रुपए में 4 साल तक बैठ के खाना खाए। चटाई वाला चटाई 100 रुपए में पूरा 4 साल तक बैठ के खा। अब हमारी देश की मट्टी में वो खुशबू नहीं रही भाई। ये मट्टी नहीं टट्टी उठा ली तूने। ये एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के रिप्लाई करने वाले लोग हैं ना, उनको बोलता हूँ मोबाइल रहने दो, कबूतर ले लो कबूतर। ये टेक्नोलॉजी से हम बहुत परेशान हैं, क्या बताएं। पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे, बहुत देर तक प्लेन सड़क में चलता है। हाँ। जिसको ये रनवे बोलते हैं, हमको तो लगा कि ठग दिया। हाँ। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी भौजी परदेश का मामला इज्जत से बात भौजी भाई बहुत अच्छे। हमने तो एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए है, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा, थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। हमको लगा कि उड़ गया। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा काकी यार होली आ गई है, नहा भी ले कितनी बदबू आ रही तेरे में से।
ए ज्यादा बकवास मत कर वरना ना जूता निकाल के चला दूंगा। चला के दिखा। मैं चला दूंगा। चला। मैं चला दूंगा। तू चला के दिखा। मेरे मुस्कान शादी करो वरना मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा मुस्कान शादी करो तो चल मैं तेरा बाबा को भेजूंगा से बाबा के पास बात करने है। हाँ सही बता। हाँ सही बता रही। चल खाना खा। बेबी मेरे लिए एक शायरी सुनाओ ना। माना तुम्हारी मुस्कुराहट पर दुनिया मरती है। माना तुम्हारी मुस्कुराहट पर दुनिया मरती है। तू पागल है क्या? ब्रश क्यों नहीं करती है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अयोध्या भाई तुम्हारे बाप की शादी थी क्या कल? ओए ये क्या बोल रहा है? अरे मोदी जी ने कल कहा था ना वो दिए जलाने के लिए, तो तू मोहल्ले में पटाखे बोल रहा था 2 मिनट के लिए, तो मुझे भी लगा। यार गज्जू देख यार सब काला काला आ रहा है यार। क्या अबे वो छोड़ना, मैं तुझे एक शायरी सुनाता हूँ। मैंने तुझे अपना दिल दिया था, मैंने तुझे अपना दिल दिया था, लेकिन जरूरत तुझे दिमाग की थी। मम्मी मेरा फोन खराब हो गया, देखना चल नहीं रहा है। हे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? खुद की शक्ल देखिए, तुम तो स्मार्ट भी नहीं हो। लड़की को लड़के स्मार्ट चाहे, चाहे खुद की शक्ल वाइपर जैसी हो। अरे भैया तुम्हारे पास कोई सस्ती अभी कोई सड़ेली सी कोई जींस है क्या? सस्ती जींस? हाँ। ये लो भाई ये पूरे 2000 रुपए की और सबसे सस्ती जींस। नहीं नहीं इससे भी कोई सस्ती? क्या इससे भी सस्ती चाहिए? हाँ। अरे यार ये लो ये 1000 रुपए। इससे भी कोई सस्ती है क्या? अरे क्या आदमी हो ये लो दादा ये लो ये पूरे 200 रुपए की है, इससे सस्ती तो नहीं है। इसको पैक कर दो। पर दादा तुम तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो। हाँ। इतनी सस्ती जींस किसके लिए ले रहे हो? मेरे ससुर के लिए। अरे कैसे घटिया आदमी हो यार, ससुर के लिए कोई इतनी सड़ेली जींस लेता है? तो उसने कौन से मुझे ओरिजिनल दिए? चल पैक कर। ये लो खा लो। ओह नो भाई ये अजीब सा टेस्ट क्यों कर रहा है? अरे धनिया पुदीना और लौंग डाल के बनाई है ना। अबे ऐसा धनिया पुदीना और लौंग तू लाई कहाँ से? अरे वही तो नहीं मिला इसलिए मैंने पतंजलि का टूथपेस्ट मिला दिया। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई। कैसा है भाई? एकदम ऑसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले बाद में बात करते हैं भाई। आपको पता है ज्यादा दिन सिंगल रहने से ना आप मर सकते हैं। हाँ सच्ची में ज्यादा दिन सिंगल रहने से आप मर सकते हैं कभी भी। What? और किसी पर भी। वो पता है मेरी बहन ने एग्जाम्स में 99.9% स्कोर किया है। बहन है ये डिटोल वाली? हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी जन्नत में नहीं जाते। वो जहां चले जाते हैं वो जगह जन्नत बन जाती है। हाँ भाई हम भी सोच रहे हैं गरीबों में 5 करोड़ का दान दे दें। हाँ बहुत है पैसा भाई, कोई दिक्कत नहीं पैसे की। अबे मेरे 50 रुपए कब देगा तू? तेरे इश्क में रात भर जागेंगे नहीं, तुझे बंदूक दिखाएंगे दागेंगे नहीं, और अगर तूने मोहब्बत की अर्जी एक्सेप्ट नहीं की तो पीठ में मारेंगे मुक्का और भागेंगे नहीं।
छोटे। जी भैया। लॉकडाउन तक तू मुझे अपना दोस्त ही समझ। दिनेश एक सिगरेट दे तो। आंखें नीचे। अबे तुझे मेरी जैसी इतनी बेकार बीवी मिली है फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? इसका एक ही मंत्र है। क्या? ओम इग्नोर आय नमः। अबे अबे यार ये मेरा साला भी ना सर दर्द है यार। भाई अगर साला सर दर्द है तो साली को झंडू बाम मान सकते हैं? दे दे भाई 5 रुपए की। अच्छा जी दे रहा। ला पैसे दिए। ले पैसे पकड़ भाई। लो भाई पैसे 500 रुपए। हाँ 500। इसमें तो काट भाई। अरे भाई इतना बड़ा नोट कहाँ दे रहे यार। भाई यार वही दे देना 10 का। यार तू भी कुछ नहीं ले आ। ले भाई इब भी तो दिया था इसका पहले दे देते अगर। अरे मगा कभी तू हल्के में ले रहा हो। भाई ऐसे कौन है जो दुख में काम आता है? दारू और चखना। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हें मेरा फोन नहीं दिखाई दे रहा? आज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हारा दोस्त या मैं। कौन है भाई तू? तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल आया है कि अगर मैं किसी और की गर्लफ्रेंड होती तो कैसा होता? नहीं, घर वालों ने किसी का बुरा सोचने के लिए मना कर रखा है। यार मेरी बंदी मेरे को धोखा दे रही है। कैसे? बोल रही है कि लॉकडाउन में मैं रुचि के घर पे थी। हाँ तो? अबे रुचि के घर पे तो मैं था। साले रुचि मेरी बहन है कजन। बाकी स्कूल के बच्चे कितने होशियार हैं, उनकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है। मामा इवन माय इंग्लिश इज गुड। बहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहरा है कुछ भी बोल तो सुनाई तो देगा नहीं। आओ भाई चुगली करें। यार प्रेम मैंने पर्स घर पे भूल के मुझे 2000 रुपए उधार देगा। बस इतनी सी बात। अभी रुक ये ले 10 रुपए, ऑटो पकड़ और जा अपना पर्स लेके आ। चले गेम खेलते हैं, जो हारेगा ना वो आज घर के बर्तन धोएगा। मैं तेरे से कुछ भी पूछूंगा ना उसका जवाब तुझे गलत देना है, ठीक है? तेरी एज क्या है? 40। तू कहाँ पर है? आसमान में। तेरे पापा की दूसरी बीवी का नाम क्या है? ए पागल है क्या? बर्तन धो। पापा भी वीडियो देखते हैं। तेरी मम्मी नहीं देखती? अरे ओ तेरे को पता है जियो की ना नई साइकिलें आ गई हैं। यानी एक बार पैडल मारो और 3 महीने तक चलेगी? अरे भाई 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 मैंने ना तेरे लिए एक बंदी ढूंढ ली यार। क्या नाम है उसका? नसबंदी। एक जगह मैं पढ़ रहा हूँ वहां लिखा हुआ है कि शादी करो तुम बजाएंगे हम। नन्हे लाल बैंड। हे गाइस आज मेरी पत्नी ने ना मुझसे वादा किया है अब वो मुझसे ढंग से बात करेगी, मेरी हर बात मानेगी और ना कभी कुछ कहने नहीं देगी मेरे को बिल्कुल। कोने में घुसे जा रहे हो, बीच में खड़े हो, ढंग से बोलो। घुसे जा रहे कोने में। तुम मुस्कुराती बहुत हो, तुम शर्माती बहुत हो। दिल करता है तुम्हें डिनर पे ले चलूं, पर तुम खाती बहुत हो। अबे भाई तूने शादी वगैरह के बारे में क्या सोचा है?
अबे भाई शादी के बारे में तो छोड़ो, वगैरह वगैरह करा दो मेरा। और भाई साहब कैसे हो? सब बढ़िया भैया, लेकिन ये कौन है? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है कमला। वो सब छोड़ो, कमला पसंद है क्या? भाई साहब मेरे को तो बचपन से ही पसंद है, बस आप एक बार कमला से पूछ लो। खाने में क्या खाओगे? खाने में क्या खाओगे? अरे कुछ बोलो, खाने में क्या खाओगे? मैं गूंगा हूँ, मेरी भी टांगे कटी हुई हैं। पनीर की सब्जी बना दे। अब कैसे निकली आवाज? ये साले खुद को समझते क्या है? क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों है? यार ये जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में लड़कियों के नंबर लिख के आते हैं ना, इन सबको तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, साला एक नंबर सही नहीं है। क्या हो गया भाई, तू इतना उदास क्यों है? यार कल मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि आप हाथ में रोटी रख के क्यों खाते हो, तो उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया ना मेरे को। क्या? मेरी मर्जी साले। अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, पहले जान ले मुझे। क्या हुआ, किससे बात कर रहा है यार? पता नहीं कौन बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं इधर दिखा। अबे तू जानता नहीं है हर बाप का एक बाप होता है? हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। ले तू कर ले बात ले। मैं इतना सीधा हूँ कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन दूसरों को आपस में लड़ाने में विश्वास रखता हूँ। भाई कल वाली इससे अच्छी थी।